हेलो एवरीवन, माय नेम इज परिचय शर्मा एंड यू आर वाचिंग टैस्लर्स। सो आज मेरे को अचानक से एक आइडिया आया कि आज बनाते हैं गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन बहुत ही वेरिएंट सा होता है। सो आज हम बनाएंगे ब्राउन गुलाब जामुन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक चाशनी। ठीक है, सबसे पहले चाशनी बनाते हैं। चाशनी वही 1:1 की रेशियो, सो जितना पानी उतनी ही चीनी। डन, शुगर हो गई, पानी भी हो गया। लेट इट बॉइल। एक तार की चाशनी, सिंपल है, नो कोई मुश्किल मेथड नहीं है। मीनवाइल हमारी चाशनी रेडी हो रही है, हम इतने डो प्रिपेयर कर लेंगे जो चाहिए होता है। अब हमारे पास है खोया। ठीक है, खोए को अब हम मलेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मलना है, इसका जो दाना है ना उसको खत्म करना है थोड़ा सा। एक सैंपल सी रेशियो जो आपको याद रखनी है, जितना खोया उसका 1/4 मैदा। ठीक है, अगर आप छेना डालना चाहो वो ऑप्शनल है। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हो डो जैसी फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, अब इसी टाइम मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना। तो अच्छे बच्चे वही जो प्लेट में कुछ नहीं छोड़ते, सब फिनिश करते हैं। मजाक नहीं था, सच था। ठीक है, डो गूंद रहे हो तो प्लेट पूरी साफ होनी चाहिए। ओके, हमारा अच्छा सर डो रेडी। डो इज रेडी। आप बारी है इसकी, लड्डू की। आज हम लड्डू बना रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं। सॉरी, देखो इसमें ना कोई साइंस नहीं है रोल करने में। ठीक है, थोड़ा सा एक लो दो, इसको प्रेस करो। प्रेस करने से क्या होगा ना, एक तो ये इसके क्रैक्स खत्म होंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्रैक्स खत्म होंगे हल्का हल्का हाथ छोड़ना है, फिर ज्यादा प्रेस नहीं करना और इसको रोल करना शुरू। ठीक है, देखो क्रैक्स खत्म होंगे तो फटेगा नहीं, फटेगा नहीं तो गुलाब जामुन बनेगा, नहीं तो फटा हुआ गुलाब जामुन बनेगा। कैसे लगे मेरे जोक्स? सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर जोक्स। ऐसे इसको पाम में रोटेट करना है। ठीक है, सो हमारे तो गुलाब जामुन में कोई क्रैक नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। अरे आपके में भी नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूँ कुछ नहीं। नाइन गुलाब जामुन रेडी। नहीं नहीं, 10, इसकी भी तो कुछ वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, 10। ओके, अब चाशनी। चाशनी का कैसी ना, चाशनी हो रही है हमारी, एक तार आने का वेट कर रहे हैं बस। और सबसे जरूरी बात, इसमें जाएगा रोज एसेंस, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है यार। ठीक है, यू कैन ऐड ऑल्सो इलायची इफ यू वॉन्ट, बाकी मेरे हिसाब से रोज एसेंस डालना, बहुत थोड़ा सा, 2-3 drops ओनली। सी दिस, आप देखना अपने करछी पे कि ऐसे एक तार आपको गिरते हुए दिखेगी, 10 string। ठीक है, हो चुकी है बिल्कुल हमारी चाशनी। चाशनी को बंद करेंगे, अब साइड में रख देंगे चाशनी को।
थोड़ी देर के लिए क्या हो ही चुकी है। सो चाशनी की साइड में अब बारी है फ्राइंग की। रिमेम्बर द थिंग, चाशनी बहुत पहले मत बना के रखना, क्योंकि अगर चाशनी बिल्कुल ही ठंडी होगी तो गुलाब जामुन चाशनी पिएगा ही नहीं, एंड बहुत ज्यादा गर्म होगी तो गुलाब जामुन फटने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके सो हियर वी गोज विथ फ्राइंग। ओके एड ऑयल, ऐसे कलछी से ना अपने ऑयल को अच्छे से घुमाते रहना, रोटेट करते रहना, इससे क्या होगा ना गुलाब जामुन हर साइड से अच्छे से सिकेगा, ठीक है, और वही हमें चाहिए। सो अच्छे से करते रहना, इतना ऑयल गर्म होगा आराम से करना ताकि तेल ना गिर जाए। ओके, गुलाब जामुन ना एक पर्शियन वर्ड है विच मीन्स गोल मीन्स फ्लावर एंड अब मीन्स वाटर, ठीक है, जो आधा आधा डिवाइडेड है, ठीक है। तो गुलाब जामुन का एक अचानक से मेरे मन में आया, आज बनाते हैं। सो गुलाब जामुन ना मैंने बहुत ज़्यादा सुना यार, लोग बनाते हैं कभी सूजी के, कभी बनाते हैं लोग मिल्क पाउडर के, जो फिर बाद में शिकायत आती है उनकी कि भैया हमारे तो वो टेस्ट आया नहीं जो बाहर बनता है। सो मैंने सोचा आज वही ट्रेडिशनल रेसिपी जो बहुत टाइम से चली आ रही है गुलाब जामुन की, वही लेकर आते हैं आज। देखो सिंपल रेशियो याद रखनी आपको जरूरी है, ये रेशियो तो याद रखनी है कि जितना खोया उसका 1/4 एक चौथाई मैदा जाएगा और उतना ही छेना जाएगा, छेना आपके ऊपर है। बाजार वाले जब बनाते हैं तो छेना डालते भी हैं, कुछ नहीं डालते क्योंकि प्योर खोए का भी कुछ बनता है यार। सो गुलाब जामुन की बहुत स्टोरीज हैं, बहुत मिथ्स हैं, जैसे जब सेजन ढिल्लन जी ने जब रूरल पंजाब में जब लोगों के लिए गुलाब जामुन बनाए वहाँ के गाँव वालों के लिए, बहुत पसंद आया उनको। और जैसे मुगल्स के टाइम में, शाहजहाँ के टाइम में गुलाब जामुन बना करता था। इवन कहते हैं कि नेपाल में लाल मोहन कहते हैं गुलाब जामुन को, नेपाल ही नहीं सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत जगहों पे गुलाब जामुन फेमस है। सो एक चीज़ और, गुलाब जामुन बहुत वेरियंट से बनता है। और अब ये मत सोचना ब्राउन गुलाब जामुन और ब्लैक गुलाब जामुन में बस यही फ़र्क है कि ब्राउन को थोड़ा और कुक कर दिया तो ब्लैक हो गया, नहीं ये नहीं होता। क्या होता है कि ब्लैक गुलाब जामुन के अंदर फिलिंग होती है शुगर की, ठीक है, जिस वजह से वो कैरेमलाइज होता है, और कैरेमलाइज होने के कारण उसके उसमें एक अच्छी लेयर आती है ब्लैक कलर की जो उसको डार्क कलर देता है, बिकॉज ऑफ इट उसे कहते हैं ब्लैक गुलाब जामुन, ठीक है। आज के लिए इतना ही बनाएंगे, इतना ही खाएंगे, और चिंता नहीं करना, बहुत बेस्ट टेस्ट होगा गुलाब जामुन का, मैं रिकमेंड करूँ पक्का, श्योर श्योर 100% मज़ा आ जाएगा गुलाब जामुन वाले खा के, ठीक है, जरूर ट्राई करना घर पे, वैसी फेस्टिवल है, ठीक है। तुरंत ऐड इट इन शुगर सिरप, ओके, मेक श्योर अच्छे से डिप हो जाए, और इस शुगर सिरप में डालने के बाद कम से कम 15 मिनट इसके अंदर रहने चाहिए, ठीक है। यार देखो हमारे छोटू ने ना साथ में दिया बिल्कुल भी, छोटू फूट गया, कोई बात नहीं, और ये परफेक्ट हुए हैं, ज़्यादा ब्लैक मत करना, ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ब्लैक करोगे तो ब्लैक गुलाब जामुन बन जाएगा। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय योर फेस्टिवल, मेक दिस डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट्स बनाओ, आगे आगे भी देखना, गेवर भी ट्राई कर लेना, किसने नहीं करा तो अभी वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू।